दोस्तों, LLB में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। LLB एडमिशन 2024 स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, LLB में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। LLB में एडमिशन एंट्रेंस आधारित हो रहे हैं, एंट्रेंस बेस पर एडमिशन हो रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म जारी हो गए हैं। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आ गए हैं। अब फॉर्म किस डेट तक भरे जाएंगे, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग ये नोटिस देखें, आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश LLB एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो LLB के लिए ये फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आपने देख ही लिया है। अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट देख लें पहले। तो देखिए यहाँ पर आप देखें, द कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विच फ्रॉम विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम 18 मई 2024 टू 17 जून 2024 ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो 18 मई से 17 जून तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं 18 मई से 17 जून के बीच में। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन ऑन 7 जुलाई 2024 फ्रॉम 9 AM टू 10:30 AM। तो 7 जुलाई को होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, आपने अभी डेट देख ली है, 7 जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। 17 जून तक भरे जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म। 18 मई से शुरू हो गए फॉर्म भरना, 17 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको फॉर्म फिल करके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें। अब नीचे यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपके पास में NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक की जो छूट है आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। अगर NCC का B सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का आपको फ़ायदा होगा। अगर राष्ट्रीय सेवा योजना का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 अंकों का आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा गुड न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम का सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन LLB 3 ईयर एंट्रेंस टेस्ट पेपर शेल कंसिस्ट ऑफ हैंडेड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल हिंदी 20 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड लीगल अवेयरनेस 60 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, 20 जनरल हिंदी, 20 इंग्लिश के और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड लीगल अवेयरनेस, इन सब के मिलाकर 60 क्वेश्चन। तो 20-20 क्वेश्चन होंगे और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी तगड़ी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की दी गई है, देख, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखें, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, 1 अंक आपका नेगेटिव के रूप में काट लिया जाएगा अगर आप गलत आंसर देंगे तब। तो ये अपडेट सामने आ रही है MJPRU की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर LLB में एडमिशन शुरू हो गए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा CCS यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा अलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। इसके अलावा DDU दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोनों जगह पर लगभग 90% यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एंट्रेंस बेस एडमिशन होते हैं और 10% ऐसी यूनिवर्सिटी भी हैं जहाँ पर मेरिट आधारित एडमिशन होते हैं। इनमें से एक है CCS यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल मेरिट के माध्यम से ही एडमिशन हो जाता है LLB में। तो मेरिट आधारित जो एडमिशन है वो आपके मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जहां पर भी एडमिशन कराना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए कि आपको वहां पर एडमिशन कराना है, ठीक है, चाहे कहीं पर भी एडमिशन कराना हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने ज़िले का नाम जहाँ पर आपको एडमिशन है आप बता सकते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको प्रोवाइड करा भी दी है, बाकी जिन जिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट सामने आ रही है हम आपको तुरंत अपडेट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी नाम बता सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे जा रहे होंगे तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करते हैं, अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करते हैं जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से LLB करना चाहते हैं, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको यहाँ से LLB करनी है तो कर सकते हैं। इसके अलावा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से आपको काफ़ी कम फीस में और बिना मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले अगर आपको LLB करनी है तो आप बता सकते हैं, मात्र 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आप LLB कर सकते हैं, ठीक है। ज़िला रहेगा मुरादाबाद, यहाँ पर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए ही 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से LLB कर सकते हैं, कॉलेज मुरादाबाद में रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।